नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सैमसंग गैलेक्सी F15 मोबाइल में आप किस तरीके से थ्री फिंगर यानी कि थ्री तरीके से स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। यानी कि तीन तरीके आपको यहाँ पर मिलते हैं स्क्रीनशॉट लेने के, तो तीनों तरीके मैं बताने वाला हूँ जिनमें से एक तरीका बहुत ही अच्छा है। तो आपको तीनों तरीके देखना है, उसके बाद कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सबसे पहला जो तरीका होता है वो सभी को पता होता है, पावर बटन और वॉल्यूम की डाउन बटन को एक साथ प्रेस करने से स्क्रीनशॉट होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम और पावर बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्क्रीनशॉट हो चुका है। तो ये तो लगभग सभी को पता होता है, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो आपको नहीं पता होगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो एक साइड में दिख रहा है, एज जैसा दिख रहा है, इसको इधर की तरफ करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप इस पर टाइप करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। यानी कि ये सबसे सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पर एक साइड में दिख रहा है इस पर क्लिक करना है या फिर इस पर टाइप कर देना है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ये कैसे इनेबल करना है ये भी मैं बताऊंगा अभी कैसे आप इसको इनेबल कर सकते हो। एक और तरीका यहाँ पर देखिए, साइड बार दिख रहा है ऊपर के साइड में, इस पर भी आप इस टाइप करोगे तो यहाँ पर साइड बार आपके सामने आ जाएगा। तो दोबारा से करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से रेक्टेंगल स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी एक तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का। तो डन कर देंगे तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो देखिए स्क्रीनशॉट आ चुका है, यहाँ से कट कर देंगे इसको। तो इस तरीके से आप यहाँ पर तीनों तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज, देख पा रहे हो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ इनको इनेबल कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले में आ जाना है। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एज पैनल, ये आपका डिसेबल होगा। तो आपको क्या करना है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इसी एज पैनल पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पैनल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऐप्स स्मार्ट सेलेक्ट, इसको भी आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये वाला जो साइड बार है आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरफ से साइड करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से टेक स्क्रीनशॉट का एक और ऑप्शन मिल चुका है, तो आपको इस पर भी क्लिक कर लेना है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट करने के बाद गाइज अब आपको तीसरा तरीका मैं बताता हूँ। जो तीसरा तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है बैक और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए और एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन मिल रहा है, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंट्रैक्शन एंड डेक्सटरिटी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक असिस्टेंट मीनू का ऑप्शन दिख रहा है, देखिए टर्न ऑफ कर दिया मैंने। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला एज दिख रहा था वो चला गया, इसको इनेबल करेंगे। जैसे ही अलाउ करेंगे तो देखिए फिर से यहाँ पर आ चुका है। तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर तीन तरीके से आप स्क्रीनशॉट को इनेबल करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।